और यहाँ आज हमने प्रूनिंग ट्रेनिंग का सेशन लगाया और इसके साथ साथ हम पोषक तत्वों की डिजीज मैनेजमेंट की जानकारियां लोगों को दे रहे हैं। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जी, जो हमने अपनी जिंदगी में सीखा है। हमने अपने बहुमूल्य 20 से 22 साल इस इंडस्ट्री के लिए दिए और जो एक्सपीरियंस है उसको हम साझा कर रहे हैं। और आज हमारा यहाँ प्रूनिंग ट्रेनिंग का विषय है क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो आजकल की कांट छांट है, चाहे वो फ्रूट क्वालिटी है या डिजीज मैनेजमेंट है, वो आजकल ही होनी है। तो उसकी जानकारी हम युवा साथियों को दे रहे हैं और मुझे उम्मीद नहीं थी कितना लोग आज यहाँ पर किन्नौर से लेकर मंडी से लेकर लोग यहाँ तक पहुंचे। आप ये जुनून दे सकते हैं कि लोगों में कितना जुनून है सीखने का। हम तो सिखा ही रहे हैं क्योंकि हर जगह पॉसिबल नहीं है जी, मेरा जाना भी हर जगह से लोग फोन करते तो वीडियो कॉल नहीं है जी हमारे लिए। तो इसलिए जी हमारे को एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम प्रूनिंग और ट्रेनिंग कैसे करते हैं और कब करें। उपयुक्त समय जी फरवरी में होता है, जब सेब होता है। क्या जी, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि क्यों करनी चाहिए लेट प्रूनिंग। सबसे बड़ा रीजन, मान लो आज आपने कोई टेन यहाँ से कट करी, दिसंबर में कट करी, और वो हिल कब होगी? अप्रैल में, जब सेब। तो दिसंबर से लेकर अप्रैल तक कितने महीने हुए? 4-5 महीने। तो 5 महीने तक वो घाव क्या रहेगा? ओपन। तो धूप पानी से क्या वो सड़ता रहेगा। तो इसीलिए क्या होता है, लेट करो। जैसे ही लेट करेंगे वैसे ही सेम मूवमेंट चलेगी और घाव हिलकी हो जाएगी। इसीलिए लेट करना चाहिए, कैंकर सबसे ज्यादा जल्दी इसमें आता है। और दूसरी बड़ी बात है जी, आज मैं आपको प्रूनिंग और ट्रेनिंग आपके दर्शकों को जो सोशल मीडिया से जुड़े बहुत सारे लोग लाइव और लोगों को बताना चाहूंगा, प्रूनिंग और ट्रेनिंग पहले आपने समझना है। शब्दों से ही आप आइडिया लगा लेंगे कि प्रून करना, छांटना, कांट छांट करना प्रूनिंग होगी, ट्रेनिंग होगी पौधे को ट्रेन करना। अब बात आती है जी कैसी ट्रेनिंग सिस्टम हम अडॉप्ट करें जो हमारे लिए सूट करता है। आपने सुना होगा सिंगल लीडर सिस्टम, आपने सुना होगा मल्टी लीडर सिस्टम, जो अमूमन है, वैसे तो बतेरे सिस्टम आ गया आज। एक आपने सुना होगा ओपन लीडर। तो सिंगल लीडर सिस्टम में क्या होगा, एक जो मेन स्टेम होगा, बीच का टहना होगा, वो मोटा होगा और बाकी उसमें ब्रांचेज होगी जिसमें फ्रूट लेंगे आप। एक होगा मल्टी लीडर जिसमें बहुत सारे मेन लीडर्स होंगे। एक होगा ओपन लीडर। ओपन लीडर हम क्या करेंगे, सेंट्रल लीडर को काट देते हैं बीच से ऐसे, तो साइड वाला क्योंकि लाइट ऊपर से पड़ती है उसमें, वो ओपन लीडर वो चलता नहीं है यहाँ हमारे। अब बड़ी बात आती है जी कि कौन सा फॉर्मूला अपनाएं हम। हमने वो फॉर्मूला अपनाना है जिसमें सबसे ज्यादा लाइट अंदर तक जाए, लाइट पेनिट्रेशन, धूप सबसे ज्यादा जाए। वो किस में जाएगी? दो तीन चीजें बड़ी गलत होगी जी हमारी। एक तो हो गया हमारा घना घना लगाने का सिस्टम और गलत तरीके से लगाना। जब भी आप बगीचा लगाए, नॉर्थ से साउथ की ओर पौधा टू पौधा, ईस्ट से वेस्ट की ओर रो टू रो, ताकि लाइट पूरी पहुंच पाए आपके पौधे में। उसके बाद आता जी कौन सा फॉर्मूले में सबसे ज्यादा धूप जाती है। तो मेरा अपना मानना, एक्सपीरियंस क्या बोलता जी, जो सिंगल लीडर सिस्टम है उसमें सबसे ज्यादा आपके सबसे अच्छा धूप पहुंचती है, लाइट पहुंचती है। तो आपको सिंगल लीडर सिस्टम पे जब आप प्रूनिंग करेंगे उसमें अगर आप घना भी लगाएंगे तो भी चलेगा। सिंगल लीडर सिस्टम में क्या होगा, जब आप लगभग पहले ही साल में ये पौधा, लगभग ऐसा पौधा होता है जी आप सब लोगों के पास, जो आप पहला कट मारते हैं वो बड़ा सोच समझ के मारना है। अगर आप सनी साइड में, जैसे यहाँ की स्थिति बताई कि सनबर्न की प्रॉब्लम भी आती है तना जलने की, तो जो आप पहला कट मारेंगे लगभग गोडे के आधा, मेरा गोडा लगभग 22-23 इंच का है, आप 22-23 इंच के या 2 फुट के पर एक पहला कट मारेंगे। जब आप पहला कट मारेंगे उससे नीचे ब्रांच आएगी और धूप भी रुकेगी तन्ने पर डायरेक्ट पड़ने से। अगर आप शेडी साइड में जहां आपकी धूप की प्रॉब्लम नहीं है तो उसको आप 2.5 और 3 फुट तक ऊपर दे सकते हैं, नीचे आपका वर्किंग स्पेस रहेगा खुला। तो जी जब आप पहली साल कट मारते हैं तो आपके पास एक टूल होगा, तो ट्रेनिंग फर्स्ट प्रूनिंग सेकेंड। मगर हमारा फॉर्मूला क्या है जी, हम प्रूनिंग से शुरू करते हैं और बगीचा जब तक सुखा के नहीं छोड़ा तब तक प्रूनिंग ही करते हैं, ट्रेनिंग का ज्ञान दिए। तो जो मैं पहला कट मारूंगा उसका पर्पज एक होगा, ट्रेनिंग। पहला कट जब हम मारते हैं, लगभग मार दिया हमने, और एक गलती हम यहां करते हैं, हमारे लोग क्या करते हैं, बिल्कुल आंख के पास इसको काटते। अब सिर्फ वही फॉर्मूला फिर बैठ गया, जो ये कट है ये सड़ता रहेगा और ये आंख क्या हो जाएगी, और अंदर से वुड डेड हो जाएगा। यहां से ग्रोथ तो चल पड़ेगी मगर अंदर लकड़। इसीलिए जब भी आप कोई आंख काटते हैं हमेशा ऊपर वाली आंख के पास से काटो और ये पीस यहीं छोड़ दो। इससे क्या होगा, ये सूख जाएगा, अगले साल हम इसको यहां से काटेंगे। और ये टहनी क्या करेगी, जो एक पीस बचा था, जो नई कोम्पल आती है, आपने देखा होगा कई बार हेड यहां से ऐसे घूम जाता है क्योंकि नरम था ना जी,
उसको सहारा चाहिए था, तो वो वुड क्या करता है, सहारे का काम भी करता है, करता ना जी, इसीलिए वहां पर पीस रखना है। और यही पर उसमें क्या होता है, बहुत बार आपने देखा होगा बड़े पौधों में, अरे हेड डाई बैक लग गया, हेड बैक और आए सूखना शुरू हो गई चोटियां, उसमें बड़ा रीजन है जी इस प्रूनिंग का। होता क्या जी, आप लोगों ने कट कर करके उसमें ब्रेके दे दिए, अंदर डेड वुड पैदा हो गया और वो सप्लाई नहीं पहुंचती ऊपर। तो जब आप यहां से कट करेंगे, फिर आपके पास अगली साल यहां पर ऐसे तीन आएगी, तो हमारे प्रूनर क्या करते हैं, दो को काट देते हैं, टॉप कर देते हैं, जो आपका एक दो फुट का गैप था वो कहां चला गया, ऊपर हो गया, फिर वो सनबर्न की प्रॉब्लम। जब आप पहले साल में वो दो टहनियां उगती है, उसमें आप टूथपिक फंसाया करो बोथ साइड, ताकि वो बाहर को जाए, वर्टिकल चला जाए, और ये सिंगल लीडर चल पड़ा बाहर को टहनियां। उसके बाद क्या होगा, जो अगली साल में आपकी जो नई ग्रोथ आएगी, फिर आपको नॉचिंग करनी है। जब आपकी सेम मूवमेंट चले, यहां पत्ती आनी शुरू हो चोटी पर, आप आरी लेंगे, आरी बोले तो हेक्साब्लेड, हेक्साब्लेड बोलते एक्साब्लेड, कुछ भी समझ आ गया, लोहे काटने वाली आरी, तो उससे क्या करेंगे आप आंखों के ऊपर इसे लगभग, मेरे पास तो जी ये आ रही है इसी में, इससे हम कट मारते जी, आंख के ऊपर आप कहीं भी कट मारेंगे। ये क्यों मारा जी, जो हमारा अंदर तक सेप फ्लोर रोकने के लिए, तो नीचे से जो अब कैमियम लेयर में हमने कट तक अंदर वुड तक कट गया, तो इस यहां ब्रेक लगी और इस आंख को प्रेशराइज करेगा सेब, और ये ब्लास्ट करेगा और इसमें टहनिया फटेगी। अब बात आती है जब टहनिया फटती है, जैसे टहनिया फटती रहेगी, साल में आपको तीन से चार बार टूथपिक का काम करना है, जैसे जो टहनी चार से पांच इंच पे गई उसमें, और उस टूथपिक में खासतौर पर वो लोग ध्यान दें जो गाला पे काम करे। गाला आपने देखा होगा जो टहनी उगती है, अगर आप ऐसे करेंगे वो वहीं से टूट जाते पीछे से, अगर आपने टूथपिक फसाई है ना तब नहीं टूटे, क्योंकि वो और उससे आपके ना पैर से ना फसल से ना बर्फ से कभी भी पौधा का टहना नहीं टूटेगा अगर आप टूथपिक यूज करते, चाहे आप रॉयल में करो चाहे आप किसी और चीज, तो टूथपिक फसाना बड़ा जरूरी है। शुरू के जो चार से पांच साल है वो होगी पौधे की ट्रेनिंग, अपने हिसाब से ट्रेन करेंगे आप, टहनियां फाड़ दी फिर उसका चयन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यही एक चीज कवर करूंगा मैं, क्योंकि मैंने सुना कि यहाँ HDP का ब्लॉक नहीं है नजदीक में हमारे पास। हाई डेंसिटी में जो भी आप फायदा निकालेंगे, कोई भी ब्रांच परमानेंट नहीं है, मेन टहने से दूसरी ब्रांच जो भी निकली है, जो 30% से लेकर 50% तक हो जाए उसको आप रिमूव कर देंगे। रिमूव कैसे करेंगे, स्टब से रिन्यूअल पे डालेंगे, जो भी टहनियां उसमें फटी है ना वो परमानेंट नहीं है, फिर साइज भी नहीं आएगा। अगर आप रिन्यूअल नहीं करते रहेंगे तो क्वालिटी नहीं आएगी, तो आपको ट्रेनिंग सिस्टम प्रोनिंग सिस्टम ऐसा रखना चाहिए जिसमें वो रिन्यूअल पे जाए। M9 की बात हो रही खासतौर पर हाई डेंसिटी। अब बड़ी बात आती जी, एक दो तीन चार पांच साल तक हमने प्रूनिंग कर दी। अब हमारे पास दो तरह के पौधे जी, एक इस टाइप का है एक बड़े टाइप का है।